हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। एंड यहाँ पे हम करेंगे आज टॉप 30 बैंकिंग एब्रीविएशन। दिस इज लाइक अ रिविजन सेशन। सो जो भी आपके इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीविएशन है, हम उनको क्वेश्चन फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए करेंगे, जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो इसको जरूर देखिएगा सेशन को। और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए देन गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टॉप पे और कॉमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स पिंड हैं, प्लीज उनको देखना ना भूलिएगा। सो पहला क्वेश्चन है, किशोर प्रोडक्ट अंडर मुद्रा कवर्स लोन्स अबव 50,000 एंड अप टू 1 लाख। व्हाट डज यू इन मुद्रा स्टैंड्स फॉर? आपको पता है जो मुद्रा लोन होता है उसमें तीन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो जो किशोर होता है वो कवर करता है 50 लाख से 1 लाख तक। तो आपको बताना है यू क्या होता है मुद्रा में। तो यू होता है यूनिट्स, ऑप्शन ए। एंड द करेक्ट आंसर इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, देख लो इसका फुल फॉर्म अच्छे से, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अगला देख, SDR refers to a type of monetary reserve created by IMF 1969 that operates as a supplement to the existing money reserves of member country. तो SDR क्या है? ये एक type का monetary reserve currency है जो कि IMF ने create करा था 1969 में, जो कि operate करता है supplement की तरह existing money reserve of member country, जो भी IMF के member country है उनके लिए supplement की तरह वो ऑपरेट करता है। तो आपको बताना है आर क्या होता है एसडीआर में। तो आर होता है राइट्स, ठीक है, ऑप्शन बी। और इसका पूरा फुल फॉर्म देख लो, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, याद रखना है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर। आरबीआई रेगुलेट्स दी यूपीआई। व्हाट डज पी स्टैंड फॉर इन यूपीआई? आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो यूपीआई को रेगुलेट करता है। तो आपको बताना है पी क्या होता है यूपीआई में। वेरी इजी क्वेश्चन। सो पी इज पेमेंट, ऑप्शन बी। और यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, देख लो इसका अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, द बेस ईयर यूज फॉर WPI प्रायर टू 2011-12 वॉज 24-5। ठीक है, आपको पता है कि जो WPI है उसका बेस ईयर 2011-12 से पहले जो बेस ईयर था वो था 2004-5, ये बेस ईयर था। ठीक है, व्हाट डज I स्टैंड फॉर इन WPI? WPI में I बताना क्या होता है। तो I इज इंडेक्स एंड WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये रही WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI, CPI ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, अभी वो भी आएगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, BIC इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। BIC क्या है? ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो आपको बताना है कि C क्या है BIC में। ठीक है, व्हाट डज सी रिप्रेजेंट? तो सी इज कोड, ऑप्शन बी। और BIC का पूरा फुल फॉर्म है बैंक आइडेंटिफायर कोड। ठीक है, देख लो अच्छे से, बी फॉर बैंक, आई फॉर आइडेंटिफायर, सी फॉर कोड। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, आई का भी पूछ सकते हैं, बी का भी पूछ सकते हैं, तो पूरा फुल फॉर्म याद रखना अच्छे से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अ लोन बिकम्स एन एनपीए व्हेन द इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर 90 डेज। तो कोई भी लोन एनपीए बन जाता है अगर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल या फिर इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू हो जाता है, कब तक? 90 डेज तक के लिए। ठीक है, व्हाट डज ए रिप्रेजेंट एन एनपीए? वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ए होता है एसेट्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, इट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नेक्स्ट देख, WMS scheme was designed to meet temporary mismatches in the receipts and payments of the government. WMS scheme को design करा गया था ताकि वो temporary mismatches को meet कर सके, ठीक कर सके receipt और payment में जो भी government के होते हैं। ठीक है, तो M बताने आपको WMA में क्या होता है। What does M represents in WMA? So M is means, option B। ठीक है, और WMA का पूरा full form देखें तो वो होता है ways and means advances। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। NPCI क्या है? पहली बात तो एक चीज और याद रखना कि इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल द रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में जितने भी रिटेल पेमेंट सिस्टम है उसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। ठीक है, तो ये रिकॉग्नाइज कि इसमें के अंडर है, किस एक्ट के अंदर है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो आपको बताना है पी क्या है एनपीसीआई में। ठीक है, सो पी इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ए। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म देख लो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। एनपीसीआई का हेडक्वार्टर याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वट डज एस स्टैंड फॉर इन एल एस फैसिलिटी विच वॉज रिसेंटली मेड अवेलेबल फॉर फैसिलिटेटिंग एनी एफ टी सेटलमेंट ऑन 24/7। एस क्या रिप्रेजेंट करता है एल एस फैसिलिटी में, जो कि हाल ही में बनाई गई थी अवेलेबल किस चीज के लिए, एनी एफ टी सेटलमेंट के लिए, एनी एफ टी सेटलमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए 24/7 बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें मुझे साथ में ये भी बताओ कि एनी एफ टी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिकॉज अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो, सपोर्ट ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एल एस होता है लिक्विडिटी सपोर्ट, और एनईएफटी की बात करें तो वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, याद रखना ये भी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। दो आपके आते हैं, एक एनईएफटी एक आरटीजीएस। एनईएफटी तो ये होता है, आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। आरटीजीएस इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट देखो, आईपीओ रेफर्स टू एन ऑफरिंग ऑफ अ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बाय एन अनलिस्टेड कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पब्लिक। अगर कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, उसको पहली बार इश्यू कराने हैं सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम पब्लिक में, तो उसको आईपीओ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आईपीओ, ठीक। तो आपको बताना है कि आई क्या होता है आईपीओ में, वट डज आई रिप्रेजेंट इन आईपीओ, ठीक है। सो आईपीओ में आई होता है इनिशियल, ऑप्शन बी, सो दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। देख लो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दैट इज आईपीओ। नेक्स्ट देखते हैं, शौर्य केजीसी कार्ड फॉर द आर्म फोर्सेज वॉज लॉन्च बाई एचडीएफसी बैंक। शौर्य केजीसी कार्ड करके है, विच इज फॉर आर्म्ड फोर्सेज, वो लॉन्च करा है एचडीएफसी बैंक ने। तो आपको बताना है एफ क्या होता है एचडीएफसी में, अगेन इंपॉर्टेंट, एचडीएफसी, आईसीसीआई, इन सबके फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो एफ होता है इसमें फाइनेंस, ठीक है, ऑप्शन ई। HDFC का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देख लो पूरा फुल फॉर्म। एक्चुअली जब ये दो टर्म आते हैं ना, फाइनेंस और फाइनेंशियल, किसी भी आपके एब्रीविएशन के लिए, किसी भी आपके शॉर्ट फॉर्म में, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखना, ठीक है। सो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। द इंडियन स्टैंडर्ड सिमिलर टू स्विफ्ट, SFMS इज द एब्रीविएशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक इंडियन स्टैंडर्ड है जो कि स्विफ्ट की तरह ही है, SFMS करके, तो आपको उसका एब्रीविएशन बताने क्या है। सो उसका एब्रीविएशन है ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। अगेन रिमेंबर, नॉट फाइनेंस, इट इज फाइनेंशियल, तो स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, ये इसका एब्रीविएशन है। स्विफ्ट का भी अपना एक एब्रीविएशन है, अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे है जो आपको देखने को मिलेगा, सो आई एम नॉट टेलिंग ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, What does L in MCLR stand for? Very easy. MCLR में M क्या होता है, ठीक है। MCLR, let me tell you, MCLR मतलब वो होता है वो मिनिमम रेट जिसमें बैंक इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, ठीक है। सो MCLR में आपको L बताना है, सो दैट इज लेंडिंग, ठीक है। सो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ICICI Lombard recently acquired a stake in Bharti AXA. ICICI Lombard ने अभी हाल ही में स्टेक एक्वायर करे हैं Bharti AXA में, तो आपको बताना है आई क्या, सेकेंड आई क्या रेफर करता है ICICI में। आपने देखें कि तीन आई है ICICI में, तो आपको ये वाला आई जो है ना, सेकेंड वाला, ये बताना है, ठीक है। तो ये क्या रेप्रेजेंट करता है, तो इट रेप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इसका पूरा फुल फॉर्म देख लो, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पहला आई है इंडस्ट्रियल, दूसरा आई है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आई है इंडिया, ठीक है। याद रखना ICICI का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने हैं, सिंपल है FII का फुल फॉर्म, ठीक है, व्हाट इज FII स्टैंड्स फॉर। बेसिकली FII में आपको F बताना है, आपको यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, सो F क्या होता है, सो F इज ऑप्शन डी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है FII और FDI, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली ये टर्म्स जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो ना, तो इनके डिफरेंस पे आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FII, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विफ्ट कोड कंसिस्ट ऑफ 8 और 11 कैरेक्टर। लो आपका स्विफ्ट कोड आ गया, अब बताओ स्विफ्ट कोड का जो होता है इसमें 8 या 11 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। व्हाट डज आई रिप्रेजेंट इन स्विफ्ट, आई बताना है क्या रिप्रेजेंट करता है स्विफ्ट में, पूरा इनफैक्ट फुल फॉर्म बताओ क्या होता है। सो आई रिप्रेजेंट इंटर बैंक, ऑप्शन ई,
इंटर और इंट्रा बैंक पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इंटर बैंक, इसका पूरा फुल फॉर्म देखो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है? ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसमें जनरली अगर एग्जाम की बात करूं तो एक तो आईसेट आ जाता है, फाइनेंस एफ का भी आ सकता है कि एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, और टी का भी आ सकता है कि टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो इसका पूरा फुल फॉर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट देखो, आरबीआई को फॉलो करते हुए इरडाई ने भी अलाउ कर दिया इंश्योरेंस कंपनीज को कि वो वीडियो बेस्ड केवाईसी कर सकता है, ठीक है? टू यूज वीडियो बेस्ड केवाईसी, केवाईसी इज नो योर कस्टमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी फुल फॉर्म आ जाता है, केवाईसी इज नो योर कस्टमर। तो आपको ए बताना है इरडाई में ए क्या होता है। लेट मी टेल यू, इरडाई जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है, ठीक है? तो बेसिकली दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है? तो आपको बताना है कि ए क्या है, तो ए इज अथॉरिटी, ऑप्शन सी, ठीक है? इसका फुल फॉर्म देखो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म फॉर इरडाई। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज एल एंड कैमल्स आर रेटिंग सिस्टम यूज बाय रेगुलेटरी बैंकिंग अथॉरिटीज स्टैंड फॉर, ठीक है? एल क्या है कैमल में, जो कैमल क्या है, ये एक रेटिंग सिस्टम है जो कि रेगुलेटरी बैंकिंग अथॉरिटी यूज करती है, ठीक है? तो इसमें बताना है आपको व्हाट इज एल, तो एल इज लिक्विडिटी, ऑप्शन बी, ठीक है? कैमल का पूरा फुल फॉर्म देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी इज कैपिटल एडिक्वेसी, ए इज एसेट क्वालिटी, एम फॉर मैनेजमेंट, एल फॉर लिक्विडिटी एंड एस फॉर सेंसिटिविटी, ठीक है? याद रखना है, अच्छे से देख लो इसका पूरा फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं, FCNR accounts allows only term deposits. What is the full form of FCNR? FCNR account जो होते हैं वो सिर्फ term deposits को allow करते हैं, यानी कि foreign fixed deposit and recurring deposit, सिर्फ FD और RD, यही तो आपके term deposit होते हैं, ठीक है? और demand deposit कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके current account और saving account, ये आपके demand deposit में आते हैं। तो आपको full form बताना है FCNR का, ये आपका non-resident account है, ठीक है? बेसिकली मैंने आपको हिंट भी दे दिया, तो ये है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ऑप्शन बी। ये जितने भी आपके नॉन रेजिडेंट अकाउंट है ना, इनके फुल फॉर्म और इनके बारे में जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, एटीएम विच आर सेटअप एंड ओन्ड बाय अ नॉन बैंक एंटिटी इज कॉल्ड WLA। एटीएम जो कि नॉन बैंक एंटिटी सेटअप करती है, उसको ओन करती है, उसको हम WLA बोलते हैं। तो आपको एल बताना है WLA में, WLA में ए क्या होता है बेसिकली, सॉरी एल क्या होता है बेसिकली, ठीक है? तो एल होता है लेबल, ऑप्शन सी, और WLA का पूरा फुल फॉर्म है वाइट लेबल ATM, ठीक है? दीज आर कॉल्ड वाइट लेबल ATM विच आर सेटअप एंड ओन्ड बाय अ नॉन बैंक एंटिटी। अगला देखो, APR कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल टाइप। APR जो चीज है वो फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। फिक्स APR में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सेम होता है थ्रू आउट द टर्म ऑफ द लोन और मॉर्टगेज। जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो सेम होगा थ्रू आउट द टर्म ऑफ लोन, लोन के पूरे टर्म और मॉर्टगेज के पूरे टर्म में। और वेरिएबल APR में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चेंज होता है विदाउट एनी नोटिस बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स लाइक प्राइम रेट, ठीक है? तो वो विदाउट नोटिस आपका चेंज होता है जो कि अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है विच आर लाइक प्राइम रेट। तो आपको बताना है ए क्या है APR में, what does A represents in APR, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन। सो A इज एनुअल, ऑप्शन ए, सो APR इज एनुअल परसेंटेज रेट, देख लो अच्छे से, APR होता है एनुअल परसेंटेज रेट, ठीक? अगला देखते हैं, CDR इज द रेशियो ऑफ हाउ मच अ बैंक लेंड्स आउट ऑफ द डिपॉजिट इट हैज मोबिलाइज। तो CDR क्या है कि जितना डिपॉजिट बैंक ने मोबिलाइज करा हुआ है उस डिपॉजिट में से बैंक कितना लेंड कर रही है, उस रेशियो को हम CDR बोलते हैं। तो आपको CDR का एब्रीविएशन बताना है, तो CDR होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ठीक है? ऑप्शन डी इज CDR, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, BOP इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेड बाई अ कंट्रीज रेजिडेंट। जो भी कंट्री के रेजिडेंट होते हैं वो जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उस सबका रिकॉर्ड होता है, उसको हम BOP कहते हैं, ठीक है? तो P बताना है BOP में क्या है, वट डज P रेफर्स टू इन BOP, ठीक है? सो BOP इज नथिंग बट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, BOP इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं,
ये भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डीआईसीजीसी इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गारंटीइंग ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू द कस्टमर ऑफ बैंक. जो भी बैंक के कस्टमर होते हैं उनको बेसिकली वो डिपॉजिट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, तो मतलब वो है डीआईसीजीसी. तो आपको एब्रीविएशन बताना है डीआईसीजीसी का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो डीआईसीजीसी इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज डीआईसीजीसी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है. अगला देखो, एमएसएस इज अ मॉनिटरी पॉलिसी, अगेन इंपॉर्टेंट. एमएसएस इज अ मॉनिटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द आरबीआई टू विदड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी. सो एमएसएस क्या है, ये बेसिकली एक मॉनिटरी पॉलिसी का बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई यूज करती है, जिसमें एक्सेस लिक्विडिटी जो होती है उसको वो विदड्रॉ करती है. कैसे? बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच के, ठीक है. तो आपको बताना है कि एमएसएस का फुल फॉर्म क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो एमएसएस इज ऑप्शन बी, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम. सॉरी, ऑप्शन ई नॉट बी, मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम इज एमएसएस. ठीक है, देख लो अच्छे से. मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम बेसिकली वो मार्केट को स्टेबिलाइज कर रही है एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में बेसिकली, ठीक है. सो ऑप्शन ई. LAF is a monetary policy tool which allows bank to borrow money through repurchase agreement. LAF क्या है? ये एक monetary policy tool है जो कि bank को allow करता है, जिसमें वो money को borrow कर सकते हैं repurchase agreements से, through repurchase agreements. L क्या represent करता है LAF में? Again a very important question. So LAF is nothing but liquidity adjustment facility, option A. ठीक है, liquidity adjustment facility is LAF. ठीक है, इसमें दो आपके आ जाते हैं, एक होता है आपका रेपो रेट और एक आता है आपका रिवर्स रेपो रेट. नेक्स्ट देखते हैं. IBRD is an international financial institution that offers loan to middle income developing countries. IBRD क्या है? ये एक international financial institution है जो कि loan offer करता है middle income developing countries को. IBRD World Bank की arm है, याद रखना, it is an arm of World Bank. तो R बताना है IBRD में क्या होता है. So R is reconstruction. ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज आईबीआरडी. फिर से बता रही हूँ, इट इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक. ठीक है, नेक्स्ट देखो. FRBMA is used to institutionalize financial discipline, reduce India's fiscal deficit, improve macroeconomic management and the overall management of the public funds by moving towards a balanced budget and strengthen physical prudence. What is the abbreviation of FRBMA? ठीक है, FRBMA क्या है? ये use करा जाता है institute किस चीज के लिए? You can see, ठीक है, for all these things it's been used. ठीक है, किस तरीके से? बाय मूविंग टुवर्ड्स बैलेंस बजट, बैलेंस बजट के टुवर्ड्स मूव करने से एंड स्ट्रेंथन फिस्कल प्रूडेंस. ठीक है, तो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म. सो इट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी, दैट इज FRBMA. ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो, IFSC इज 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड. IFSC क्या है? ये एक 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है, मतलब जिसमें अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, जो कि एक बैंक की ब्रांच, बैंक को और उसकी एक रिस्पेक्टिव ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, तो आपको बताना है F क्या होता है IFSC में. What does F represent in IFSC? ठीक है, सो IFSC इज ऑप्शन ए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड. याद रखना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को, नॉट इंटरनेशनल. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट देखो, ALM इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द यूज ऑफ एसेट्स एंड कैश फ्लोस टू रिड्यूस द फर्म्स रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम नॉट पेइंग अ लायबिलिटी ऑन टाइम. ALM क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें मैनेज होता है जो एसेट का यूज है या कैश फ्लो का है, वो सब कुछ मैनेज होता है. जिससे क्या होता है? जिससे रिड्यूस करते हैं जो भी फर्म का रिस्क होता है लॉस का, जो कि वो लायबिलिटी को टाइम पे नहीं करते, फ्रॉम नॉट पेइंग अ लायबिलिटी ऑन टाइम. तो व्हाट डज M रेफर्स टू इन ALM? ALM में M क्या होता है? तो M इज मैनेजमेंट, ऑप्शन बी. इसका करेक्ट फुल फॉर्म है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट. इसका प्रॉपर फुल फॉर्म ये है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट. ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी के लिए लेकर है ना, तो इससे याद रखना लायबिलिटी. ठीक, और जो भी आपके यूज ऑफ एसेट हैं, कैश फ्लोज हैं, तो उससे आप इसका डेफिनेशन फुल फॉर्म याद रख सकते हो. ठीक है,
और या गाइस, सो वी आर डन विद द सेशन. सो हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द सेशन. डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन.